चाय मिलाना जरा। व्हाइट पैलेस वाली है सवाद का महल, और वो सामने से चश्मे का पानी जो कि बहता हुआ यहाँ से ही गुजर रहा है पहाड़ों के बीच से। अभी चूँकि सर्दी का मौसम है लिहाजा आपको ज़्यादा पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये बाकायदा बेंचेस बैठने का इंतज़ाम, ये लकड़ी का झूला, इसके नीचे ये राहदारी पूरी, अंदर का महल जो अब रेस्टोरेंट है, एक होटल है, सामने जो रूम्स हैं वहाँ पे स्टे कर सकते हैं हम। ये बाग, प्रेयर एरिया नमाज के लिए। अंदर पूरी हिस्ट्री मौजूद है, स्टेयर्स, बाग, और से सुने तो परिंदों की चहचहाने की आवाज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। गर्मियों में तो यहाँ पे ज़ाहिर ख़ास किस्म की ठंडक, अभी भी जगह जगह जा बजा गुलाब के पौधे, सफ़ेद गुलाब बहुत है, सुर्ख और वो येलो, ये बीच में ये भी सब मार्बल का है, टेबल बेंचेस जगह जगह मार्बल का ही। 1941 में डेफिनेटली डिफरेंट डिफ़िकल्ट काम होगा बिल्कुल सफ़ेद मार्बल लेकर आना, और इतने दूर दराज इलाके में जहाँ पर रोड्स भी ना हो प्रॉपरली, और इनका काम करवाना। पता चलता है कि वाली सवाद काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मिजाज रखते थे। जगह जगह अलमारियाँ बनी हैं, इनमें यकीनन कुछ नहीं कबर्ड्स नहीं है बल्कि शायद विंडोज़ का स्टाइल है। यस, ये विंडोज़ का स्टाइल है, इसके अंदर आपको पता नहीं शेडो ही शायद नज़र आ रहा है, वरना अंदर रेस्टोरेंट की टेबल्स चेयर्स नज़र आ रहे हैं। जो टूरिस्ट टाइम में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत जगह, मैं ऊपर से भी अभी होकर आई हूँ, बहुत ब्यूटीफुल, सो मच ब्यूटीफुल। सर्दी के मौसम में तो और मज़ा आ रहा है क्योंकि ज़्यादा सयाह नहीं है यहाँ पर। बादल आए हुए हैं हल्की हल्की, रात बारिश हुई थी हल्की हल्की, अगर फील हो रहा हो तो ज़मीन में नमी है। Thank you.